रफा क्रॉसिंग क्या है? तो ये जो मैप है ये इजराइल का मैप है, और यहाँ पर ये वाला हिस्सा गजा है ये वाला, और यहाँ पर इसके सबसे निचले स्तर पर यहाँ पर ये रफा क्रॉसिंग है, तो यही रफा क्रॉसिंग है। और फिर नीचे यहाँ पर मिस्र है, मिस्र देश, और इस तरीके से इस पूरी बात को हम लोग समझते हैं। रफा क्रॉसिंग गजा पट्टी के दक्षिण में स्थित एक बॉर्डर क्रॉसिंग है। जो रफा क्रॉसिंग है ये एक बॉर्डर क्रॉसिंग है दोस्तों ये, ठीक है। और यह गजा पट्टी को मिस्र के सिनाई रेगिस्तान से जोड़ती है। गजा पट्टी क्षेत्र में इसके अतिरिक्त इरेज और कैरम सलोम नामक दो अन्य बॉर्डर क्रॉसिंग हैं दोस्तों। इनमें से इरेज क्रॉसिंग उत्तरी गजा को इसराइल से जोड़ती है। यहाँ कैरम सलोम भी इसराइल और गजा के बीच स्थित क्रॉसिंग है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। रफा फलिस्तीनियों की वो पनाहगाह जिस पर इसराइल की हर तिरछी नज़र। संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी ताकतों की चेतावनी के बावजूद इसराइल पिछले कई महीनों से दक्षिण गजा के रफा में व्यापक पैमाने पर ऑपरेशन की धमकी दे रहा है। अगर रफा में इसराइल ने ऐसा कदम उठाया तो यहाँ पनाह लेने वाले लोगों पर इसके भयावह विनाशकारी असर देखने को मिलेंगे। फिलहाल रफा में गजा की 22 लाख आबादी के आधे से अधिक लोग शरण लिए हैं। बड़ी तादाद में लोग टेंटों और अस्थायी शेल्टर होम्स में रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग खड़े हैं यहाँ पर।